प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने मतदान को लेकर अयोध्या में मंडलीय बैठक की। अवध विश्वविद्यालय में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में आए हुए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक भी किया। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचने का आह्वान भी किया। इस दौरान प्रदेश में हुए 3 चरणों में ईवीएम की समस्या को लेकर भी सबक लेते हुए आगे के चरणों में समस्याओं को सुधारने का अधिकारियों को निर्देश भी दिया। ईवीएम समस्या को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों व कर्मचारियों को सही ढंग से ट्रेनिंग न लेने की लापरवाही बताई। ये जो पहली फर्स्ट तीन फेजेस में जो चुनाव हुए हैं उसके तहत जो मशीन को हैंडल करने के बारे में, मशीन को जो ट्रेनिंग लेने के बारे में है, उसमें जो भी कमियां हैं जिन जिन जगह पे आई है उसको देखते हुए इनको बताया गया कि जो मशीन की जो उसको प्रोटोकॉल है उसके बारे में हमारे सारे अधिकारियों को समझा दिया गया है कि ताकि ठीक से ट्रेनिंग दिया जाए, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को भी ट्रेनिंग दिया जाए, तो ताकि पहली चीज़ मशीन का फेल्यू रेट कम हो, तो ये बात है। और दूसरा, जो पिछले चुनावों में जो शिकायत हुई है पिछले फेजेस का, कहीं पे कमज़ोर वर्गों को वोट डालने से रोका जा रहा है, या जो इसमें जो भी अल्पसंख्यक की बात हो या अनुसूचित जाति का हो, जो भी इस तरह की शिकायत है, तो उसको भी रोकने के लिए हम लोगों ने इस बार भी ये कहा कि हमारे पास NCC, NSS, स्काउट्स गाइड्स वगैरह लोग हैं, तो इनको हमारे मोहल्लों में, गांव में उनको उसको हमारे फैसिलिटेटर के रूप में छोड़ा जाएगा। इस तरह की जहाँ भी होगा तो स्वयं ही हमारे लिए हमारे फोर्स उसको एड्रेस करेगा। हालांकि ऐसी कोई शिकायत का कोई आधार नहीं है, हमारे तीनों फेजेस में ऐसी कोई बात नहीं आया, ऐसा कोई लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम कोई इस तरह का नहीं आया है, ऐसा कोई लैंड ऑर्डर का समस्या नहीं आई है। लेकिन जो मशीन फेल्यूर के बारे में, गाजियाबाद में मशीन फेल्यूर अधिक रहा उस समय फर्स्ट फेज वाले में, सेकंड फेज वाले में बुलंदशहर में जो है, इसमें मैं बोल रहा था कि एक एक यूनिट बदलने पर ज़्यादा बदला, तो बुलंदशहर में मशीन का रिप्लेसमेंट ज़्यादा रहा। और सबसे अधिक अभी तक सबसे ज़्यादा अधिक रिप्लेसमेंट जो है हमारा फिरोजाबाद वाले में हुआ है। तो जहाँ तक मैं कह रहा हूँ वहाँ पे ट्रेनिंग की भी बात है, कर्मचारी लोगों का जिस ढंग से उसको ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया और मशीन रिप्लेसमेंट करने के लिए जो प्रोटोकॉल पालन करना है, तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल फेज का जो रिप्लेसमेंट है वीवीपैट का 5% से कम रहा, लेकिन ये कुछ कुछ जिलों में कुछ कमियों के नाते उसमें ज़्यादा रहा।